Hi, good morning my dear students. So I hope you are very fine. So today is your third lecture of rational number. So I should discuss about subtraction of rational number. First of all, हम लोग दो क्लास रेशनल नंबर का देख चुके हैं, तो अब ये थर्ड क्लास है रेशनल नंबर का, तो हम डिस्कस करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या है, आप लोगों को पता है रेशनल नंबर क्या है, इसे बता चुके हैं. अब सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर भी बता दिए थे पिछले क्लास में, आज हम देखेंगे सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, अगर मेरे पास 2, 3 रेशनल नंबर गिवन हो तो उसका सबट्रैक्ट कैसे करें. तो सबट्रैक्ट एडिशन तो बहुत इजी होता है, एडिशन कर सकते हैं. सेम टाइप जैसे एडिशन करते हुए सेम टाइप है जो हम सबट्रैक्ट करते हैं. डिफरेंस इतना ही होता है कि ऐड में जो एडिशन होता है उसमें ऐड करते हैं, सबट्रैक्शन में सबट्रैक्ट करते हैं, बट इसमें सब कुछ लैंग्वेज जो है उसमें यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे. तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे एफ पी वाई क्यू एंड आर वाई एस आर टू रेशनल नंबर्स, देन सबट्रैक्शन ऑफ आर वाई एस एंड पी वाई क्यू मीन्स एडिशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ आर वाई एस फ्रॉम पी वाई क्यू. P by Q minus R by S is equal to P by Q plus minus R by S is equal to P by Q plus additive inverse of R by S. इसका मतलब तो हम ये पढ़ दिया, आपको समझ में आया. एक्चुअली में हमारे पास ये टू रेशनल नंबर गिवन है, P by Q and R by S टू रेशनल नंबर गिवन है. अब उसे हमें सबट्रैक्ट करना है R by S को P by Q, यानी P by Q में से R by S को सबट्रैक्ट करना है. तो सबट्रैक्ट हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है वो देखो. इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब ये जो पी बाई क्यू है और ये आर बाई एस है, तो पी बाई क्यू में से आर बाई एस को जो क्या करेगा, ऐड कैसे करना, उसके एडिटिव इनवर्स करके ऐड करना. एडिटिव इनवर्स में हम क्या बताए थे, अगर कोई भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है तो वो रेशनल नंबर का सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस साइन यूज करते हैं तो एडिटिव इनवर्स हो जाता है. जैसे आप लोगों के पास R by S है, ये मेरा एक रेशनल नंबर है, अगर इसका बोलेगा एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए तो माइनस R by S हो जाएगा, हमें ये पुट करना है. तो यदि हम देखे हैं इसका P by Q माइनस R by S हो गया, तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसे लिखने का तरीका P by Q प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस R by S, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा और ये माइनस नहीं है, लगते लिखे तो ये और ये दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा. और एक्चुअली ये p by q और प्लस कर दे और उसके बाद ये एडिटिव इनवर्स ऑफ r by s, एडिटिव इनवर्स ऑफ r by s का मतलब क्या होगा, माइनस r by s होगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए आप लोगों के पास रहेगा सबट्रैक्ट 2/5 फ्रॉम 3/4, हमें सबट्रैक्ट करना है. तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये 2/5 फ्रॉम 3/4 है, इसका मतलब 2/5 माइनस 3/4, ऐसे नहीं सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब हो गया इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, यानी 3/4 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो डिनोमिनेटर नॉन इक्वल है, तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल कर लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा सॉल्व करने में. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो हम क्या किए, पहले सोल्यूशन लिखे, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट किए और 5/4 का एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 4 और 5. आप लोगों को पता है कि 5/4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं. अब देखिए यहाँ से क्या किए, मेरे पास था 3/4 लिखे, अब हमें एलसीएम या 20 आया, इसका जो 3/4 का तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में हमें 20 लाना, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में जब 5 किए तो हमें नोमिनेटर में भी 5 करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, फिर सेम नंबर 3/4 आ सकता है, बोले तो इक्विवेलेंट नंबर के जैसे. तो इसलिए इक्विवेलेंट नंबर यहां पे उसके जैसे, तो यहां पे जब इसका डिनोमिनेटर 20 करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 5 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3/5 = 15 और 4/5 = 20. यहाँ पे ये जो एलसीएम आया था वही 20 यहाँ पे लाने के लिए 5 से 4 में मल्टीप्लाई की तो 20 है. अब मेरे पास 2/5 था, अब ये 5 डिनोमिनेटर लेना, डिनोमिनेटर में भी हमें 20 लाना था, 20 लाने के लिए 5 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 = 20, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो जब डिनोमिनेटर में किए तो हमें नोमिनेटर में भी करना होगा, 4 जाए 8 और 5 जाए 20.
आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हमें फ्रॉम यानी 3/4 से 2/5 को सेपरेट करना है, तो 3/4 माइनस 2/5 करना है। अब हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट नंबर जो था वो हम अभी लिखे थे क्या 50/20, इसे अभी 50/20 कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे और फिर ये जो 8/20 था इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड अप्लाई करते हैं तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, तो ये -8/20 कर देंगे। अब आप लोग ये दोनों का एलसीएम क्या है, सेम हो गया। आप हमें सेपरेट करने में बहुत इजी होगा, दोनों का एलसीएम 20 निकली है, 15 का फिर से प्लस का प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे अगर कहीं कोई माइनस भी होगा तो यहाँ पे अगर ये माइनस नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये प्लस इनको माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 15 में से 8 सेपरेट हुआ तो कितना होगा 7, तो 7 में क्या होगा 20 और ये है आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम सबट्रैक्शन करेंगे। अगर कहीं पे आप लोगों को ये -3/4 आएगा, इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। कहीं अगर माइनस वाले कंडीशन में कैसा रहेगा, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों इसके आगे माइनस है 3/4 तो यहाँ पे करते हैं, फिर ये 2/5 से पहले करते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और इसमें ब्रैकेट करके और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये जो था माइनस ये माइनस हो रहा था, ब्रैकेट करके इसको माइनस कर देते हैं, तो मेरा इतनी बन जाता, तो यहाँ पे माइनस हो जाता और यहाँ पे भी क्या रहता मेरा माइनस हो जाता, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता और ये माइनस हो, यहाँ पे मेरा माइनस से मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेम कंडीशन अगर जिसमें माइनस कर करेगा वहां पे माइनस पुट करना है, जिसमें माइनस एड्रेस नहीं रहेगा उसमें माइनस नहीं पुट करेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, 2/5 फ्रॉम 3/4 था, तो ये सेकेंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चों देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल जो है उसी के बेसिस पे, सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे, ये एक व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/7 टू गेट 3/4। हमें ये कह रहा है हम 4/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 3/4 आएगा, रिजल्टेंट उसका 4/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट रेशनल नंबर x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/7 टू गेट 3/4, यानी 4/7 में से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 3/4 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किए थे तो 4/7 में से सब्ट्रैक्ट करा था, 4/7 माइनस एक्स इक्वल टू 3/4 कर दिए। अब ये जो 3/4 प्लस है इधर इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर आके माइनस हो गया। अब ये जो एक्स जो इधर माइनस है तो इस साइड जाके क्या होगा प्लस होगा, तो ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम जाके ये एक्स इक्वल टू मेरा 4/7 माइनस 3/4 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स इक्वल टू 4/7 माइनस 3/4, यहाँ के बाद आप लोग यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से 7 और 4 का एलसीएम 28 हो गया, और उसके बाद आप लोगों को तो सब्ट्रैक्ट करने आता है, यहाँ से 16 माइनस 21 किए तो ये क्या होगा -5/20 है, तो ये -5 कैसे आ गया, क्योंकि हम लेस वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को क्या किए सब्ट्रैक्ट किए, इसलिए वैल्यू माइनस में आया। अगर ये 21 माइनस 16 आता तो ये क्या हो जाता 5-20, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते ये मेरा +5 में आया, लेकिन लेस वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया इससे ये क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट डेसिमल नंबर फ्रॉम द सेकंड डेसिमल नंबर, सेकंड डेसिमल नंबर में से फर्स्ट डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, यानी इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक नंबर में क्वेश्चन -3/8 एंड -5/-7, एक बार और ध्यान रखिए कि -5/7 है, इसको -5/7 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, आपको ये रिमेंबर करना है। फिर भी मैं -4/21 एंड 5/14, सी में 4/5 एंड 2/3 लेकर लोगे। फिर थर्ड नंबर में सिंपलीफाई द फॉलोइंग, आप लोग ये सिंपलीफाई करना है, 15/11 -6/7, बी में -4 -2/7, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में 1 पुट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। सी देखिए, सी नंबर में 9/-10 है और -(-6/15 है, तो ये कर लीजिएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/24 टू गेट 1/8। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन है, हम आशा करें कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाए। ये क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग इसका जो थ्योरी पार्ट है वो जरूर देखिए, एक बार नहीं कई बार रिपीट कर करके देखिए जब तक समझ
समझ में नहीं आए तब तक देखते रहिए और इसमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में पीएस लिख के भेजा कीजिए, क्योंकि हमें पता चले आप लोग कितने प्रेजेंट हैं और कितना ये पीएस का मतलब हो गया अटेंडेंस हम बना रहे हैं, मतलब कितने आप लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब और ये कमेंट जो भी करते रहिए, समझ में ना आए तो फिर हम जो नंबर दिए थे उस नंबर पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं और कमेंट तो जरूर कर दीजिए। तो इसके लिए आप थैंक्स और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।